नमस्कार दोस्तों, ब्लड अटैक की बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेके आ गए ऐसी 5 फिल्म्स का नाम जो आप ना कभी देख ही नहीं पाएंगे। आपके अंदर चाहे जितनी भी हिम्मत हो, आप जितने भी स्ट्रांग मन के क्यों ना हो, लोग ये कहते हैं कि आप ये 5 फिल्म नहीं देख सकते। हम लोग नहीं कहते क्योंकि हम लोगों ने खुद ने ये 5 फिल्म नहीं देखे एक्चुअली। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है वेरोनिका का। वेरोनिका एक ऐसी फिल्म है जो कि नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई थी और नेटफ्लिक्स वालों ने इसके ट्रेलर के साथ साथ ये दावा ठोक दिया था कि भाई इस फिल्म को आप कंप्लीटली नहीं देख सकते चाहे जो हो जाए। इस फिल्म में एक ऐसी बच्ची दिखाई गई है, ये रियल स्टोरी एक्चुअली वेरोनिका शायद स्पेन में रहने वाली एक लड़की की जो महज 16 साल की उम्र की थी और 16 साल की उम्र में ही उसको एक चस्का चढ़ गया था कि मैं भूत प्रेत को बुलाऊंगी। तो एक दिन होता है अमावस्या का या फिर कोई ऐसा दिन होता है, शायद फुल मून नाइट होती है पूर्णिमा का। तो उस दिन को इसने एक अजीब सा बोर्ड ली और अपने दोस्तों के साथ बैठ के एक आत्मा को समन करने की कोशिश की और लिटरली वो आत्मा इसके शरीर में प्रवेश की और उसके बाद उस लड़की को क्या क्या खामियाजा भुगतना पड़ा इस चीज के ऊपर आधारित है वेरोनिका फिल्म, जो लिटरली हम लोगों ने भी नहीं देखी और देखने की बहुत ज्यादा इच्छा है कि कैसे नेटफ्लिक्स ने ये बोल दिया कि इस फिल्म को देख कोई पूरा सकता ही नहीं, क्योंकि जिसने पूरा देखा मतलब उसकी हालत टाइट हो जाएगी। इस फिल्म को ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ रहे हैं तो, और लोगों ने भी बोले इसके बाद रिलीज होने के बाद जिनने भी देखे वो बोले कि सचमुच में हम इस फिल्म को पूरी खत्म नहीं कर पाए और उसको शूट भी इस तरीके से किया, इतना डराना शूट किया कि मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे कैसे कैसे सीन आ रहा है। ऐसे लोग मतलब लिखा है लोगों ने जिन्होंने देखे हैं वो सही बात, फटाफट कभी भी डराना सीन आ सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे डराना सीन कुछ आने वाला है। इस तरीके से शूट किया उसको। और इसी के साथ साथ दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा डरावनी फिल्म जिसे हम लोगों ने नहीं देखे, फिर से नहीं देखे, इसके बारे में पढ़े हैं, लोगों से जाने हैं, वो है डाबे 6 नाम की फिल्म। ये एक ईरानी फिल्म है, ईरानी लैंग्वेज में बनी है, वहीं के लोगों ने बनाए हैं और इस फिल्म में पूरी तरह से जादू टोटके के ऊपर फोकस किया गया है। काला जादू, ब्लैक मैजिक, शैतानी, समन करना, आत्माओं को बुलाना, लोगों को वश में करना, लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, ये सब चीजें दिखाई गई उसमें। और उसमें इतनी रियलिस्टिक तरीके से चीज दिखाई गई है ना कि मतलब आपको देख के ना मन में धक 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 होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमारे साथ भी तो ये कोई नहीं कर रहा है। मतलब आप खुद के ऊपर, खुद की लाइफ के ऊपर शक करना शुरू कर देंगे इस फिल्म को देखने के बाद। मतलब इस तरीके से इस फिल्म को बनाया गया और इस तरीके से फिल्म आपके दिमाग में असर करेगी यार। हाँ, हमारे फ्रेंड ने बताया था कि उसको देखना। तुम लोग तो इससे भूत लवर हो, तुम लोग इतने हॉन्टेड, इतनी हॉरर वीडियोस बनाते हो, हॉन्टेड रिचुअल्स करते हो। हम लोग सोचे थे देखेंगे लेकिन वो लैंग्वेज में ना ही इंग्लिश में है, हिंदी में तो हमारा दूसरा, इंग्लिश में भी नहीं है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, समझ में नहीं आ रही। और वो नेटफ्लिक्स में भी, और नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप अभी फिलहाल नहीं है, तो जैसे ही नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप मैं लेने वाला हूँ बहुत जल्द, तो ये दोनों फिल्म तो सबसे पहले देखेंगे। ये जो सुने की बारे, इसके बारे में सुनने के बाद मैंने बहुत मन हुआ था मेरा देखने का, मैंने निखिल से बोले ही थे देखते यार, कुछ भी जुगाड़ करते, ये तो देखना ही है। तो अभी बहुत जल्दी हम लोग देखने वाले। हाँ। इसी के साथ साथ तीसरे नंबर की फिल्म की बात करें जो सचमुच में बहुत ज्यादा डरावनी मुझे भी लगी और तुम्हें लगी कि नहीं तुम बताना, वो है द एग्जॉर्सिस्ट। हाँ। सन 1987 में आई थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मैं एक बार कंफर्म करता हूँ देख के। ये फिल्म इतनी ज्यादा 1973 में, सॉरी, इस फिल्म में एक बच्ची के ऊपर फोकस किया गया, बहुत बहुत ही ज्यादा डरावना था। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मतलब इतनी डरावनी वो फिल्म हो सकती है। मुझे लगा था कि सब तो बोलते हॉलीवुड में ऐसे भूत दिखाते हैं, और उस बच्ची की एक्टिंग एकदम फाड़ू एक्टिंग, मतलब इतनी छोटी बच्ची, 5 साल की रही होगी मुश्किल से, छोटी थी, 5 साल थोड़ी बड़ी हो गई, और ये हमारा छोटा बच्चा क्या कर रहा है, वो सब कांड कर रहा है पीछे, पर्दा उड़ा रहा है। हाँ, उसकी आदत है। खैर, वो जो बच्ची थी वो केवल 5 साल की रही होगी, लेकिन उसने ऐसी एक्टिंग की है, लिटरली ऐसी एक्टिंग की, बड़े बड़े बॉलीवुड का तो एक भी एक्टर उसके सामने इतना सा भी नहीं टिक सकता, एक भी सिंगल एक्टर नहीं टिक सकता उसके सामने। क्या ऐसी एक्टिंग की है बच्ची ने, मतलब बिल्कुल बोलते ना कि गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग होती है वो की उसने। एमिली रोज में भी, एमिली रोज जो लड़की थी वो देखो, जो एमिली रोज में जो लड़की थी उसने भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग। हाँ, एमिली रोज में भी, लेकिन वो लड़की तो खैर बड़ी थी, उसको एक्टिंग की नॉलेज आ गई होगी, सीख गई होगी, लेकिन 5 साल की बच्ची ने क्या फाड़ के रख दी स्क्रीन में, ये समझ में नहीं आया। और उस बच्ची के कारण एक्चुअल में ज्यादा डर लगेगा आपको फिल्म में, उस बच्ची के ही कारण।
और फिर जैसे एमिली रोज इस लिस्ट में नहीं आती है हाँ। लेकिन ये भी बहुत ज्यादा डरावनी फिल्म है, आप इसको भी जरूर देखो, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये आप लोगों को अमेज़न प्राइम में मिल जाएगी। ये एमिली रोज देखने के बाद जो रियल जो आवाज है ना भूतों की हाँ। वो एक बार यूट्यूब में सर्च कर लेना और हेडफोन लगा के अकेले रूम में बैठ के आवाज सुनना एकदम ध्यान से, और आवाज को जो लैंग्वेज उसको समझने की कोशिश करना। उसके बाद एक हफ्ते तक नहीं सोए ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी, सही बता रही हूँ। एक हफ्ते तक नहीं सोए ना, एक हफ्ते तक सो गए ना, सो नहीं सो पाएंगे एक हफ्ते तक। हाँ तो ऐसा बोलो, एक हफ्ते तक सो पाए ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। मैं एक्साइटमेंट में वो हो गई क्योंकि मैं एक हफ्ते तक मुझे ना अजीब सा लग रहा था बिल्कुल। मुझे ना ऐसा लगता था कि मतलब मैं 5 बजे 6 बजे सो रही हूँ, और वो टाइम पे अपन बहुत हॉरर रिचुअल्स भी करते थे, तो एकदम डर सा हो गया था मेरे अंदर, धक धक होता हर टाइम, ऐसा अजीब सी नेगेटिविटी फील होती थी वो आवाज सुनने के बाद। इसी के साथ साथ जो अगले नंबर में नाम आता है वो चौथे नंबर में वो आता है कैनिबल हॉलोकॉस्ट का। कैनिबल हॉलोकॉस्ट एक बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से बनाई हुई एक फिल्म है जो हॉरर नहीं है हाँ। जो बेशक हॉरर नहीं है लेकिन उसको इतना क्रीपी तरीके से बनाया गया है, इतनी डरावनी। देखो डरावनी सिर्फ हॉरर हो ये जरूरी नहीं होता हाँ। बहुत सारी चीजें इंसानों की जिंदगी में डरावनी हो सकती है, तो ये फिल्म भी उसी दूसरी चीज का हिस्सा है जो हॉरर ना होकर भी डरावनी इतनी ज्यादा है कि आप लिटरली बता रहा हूँ इस फिल्म को नहीं देख पाएंगे। इस फिल्म को मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों के सामने जिक्र किया, मैंने इसके ऊपर रील्स बनाया था, उसके 8 मिलियन व्यूज हुए थे इस रील के, 80 लाख लोगों ने देखे, और फिर उन 80 लाख लोगों में से काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और बोले लिटरली ये मूवी पूरी देखने लायक है ही नहीं। ये फिल्म इतनी ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से बना दी गई थी कि फिल्म की रिलीज होने के बाद डायरेक्टर के ऊपर पुलिस केस हो गया था, मतलब ये बोल के शूट किया हाँ, ये बोल के कि तुमने अपनी फिल्म की शूटिंग में कई सारे लोगों की हत्या करवा दी शूटिंग के लिए। नहीं ऐसी फिल्म तो मैं देख नहीं सकती, मैं हॉरर एक एंगल तक देख सकती हूँ, कितनी भी डरावनी हो थोड़ी सी आंख बंद करूंगी फिर खोलूंगी देख लूंगी, लेकिन ये जो ऐसी फिल्में जो होती है ना वो बर्दाश्त नहीं होती सबसे। फिर डायरेक्टर ने कोर्ट में प्रूफ दिया कि नहीं भाई जो हमारी फिल्म में दिखाया जा रहा है मैं प्रूफ दे रहा हूँ ये स्पेशल इफेक्ट की मदद से बनाया गया है और जो आप देखे सब नकली, एक फिल्म का इससे असली कुछ नहीं था। फिर जाके वो डायरेक्टर जेल से छूटा था, कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ था। मतलब किस तरीके से बनाए होंगे आप इमेजिन करो, वो लोग बहुत टैलेंटेड है देखा जाए तो, उनकी एक्टिंग देखो, उनकी फिल्में देखो, क्या शूट करते हैं कैसे करते हैं, बिल्कुल लगता है एकदम नई है, रियल ही होगा बिल्कुल, इतना रियल शूट करते हैं। उनकी फिल्म देखते टाइम ना अगर आप ध्यान से देखो आपको बहुत सारी फिल्में समझ में नहीं आएगी क्योंकि एकदम नेचुरल दिखाते हैं कि आपकी जिंदगी में जैसे होती है कोई भी चीज, कि आपकी जिंदगी मान लो आप सुबह उठे हो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, आप नेचुरल जो जिंदगी जी रहे हो वैसा दिखाते हैं वो लोग, बहुत रियल दिखाते हैं। इसलिए थोड़ा सा मतलब कोई भी फिल्में होती है जो डरावनी के साथ साथ थोड़ी सी बोरिंग भी लग सकती है क्योंकि अपन ये तो फिल्में देखे हैं वैसे कि डरावनी थी बहुत, बार बार में जब हम लास्ट आते हैं डरावनी होती है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी मतलब एकदम स्लो थी हाँ। उस टाइप और फिर इसी तरह से फर्स्ट नंबर में नाम आ जाता है द पेट सिमेट्री का हाँ। द पेट सिमेट्री ये भी एक पर्टिकुलरली भूत वाली फिल्म नहीं है, प्रॉपर भूत वाली, लेकिन ये फिल्म बहुत ही अजीब ढंग से बनाई गई फिल्म है, बहुत बहुत इसका कंसेप्ट हॉरर दुनिया में बिल्कुल अलग सा है हाँ। इसमें जो भूत की बात कहें एक जानवर भूत है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं ना जानवर मर जाते हैं तो क्या वो लोग भी भूत बनते हैं, तो वो लोग पेट सिमेट्री जरूर देखो, और पेट सिमेट्री देखते टाइम आपको लिटरली फील होगा कि यार ये कैसे हो रहा है दुनिया में, और अगर ये भी हो रहा है तो आपके मन में उत्सुकता जाएगी कि ये हम भी करेंगे हाँ। ये मतलब आप अपने पेट के साथ, मैं सस्पेंस नहीं खोलना चाहता, अगर आप लोगों के पास अमेज़न की प्राइम की मेंबरशिप है तो फिल्म जरूर देखो हाँ, जो लोग पेट लवर है वो तो देखो हाँ, ही जरूर देखो, लेकिन उसी के साथ साथ पेट लवर होने के साथ साथ आप लोगों के मन में जानवरों को लेके एक अलग डर बैठ जाएगा कि भाई कोई जानवर अगर मर गया होगा ना आपके आस पड़ोस में हाँ। तो उतना ही ज्यादा आपके मन में डर बैठने लगेगा, फिर कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है, तो अभी मत खोलो सस्पेंस, लोगों को देखने दो, और कमेंट सेक्शन में फिर आपके बताना, इस वीडियो को सेव करके रखो कि आपको कैसा लगा वो फिल्म जो हम लोगों ने बताया, और अब तक इस वीडियो को देख ही लिए हैं और इस वीडियो में दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हमारी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, अगले वीडियो को लेकर कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम के साथ अगला वीडियो जरूर बताएंगे। चलिए हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।